वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लस भारती। आज हम इस हीरोन फॉर्मूला का क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालना सीखेंगे हीरोन फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर, नॉन पैरेलल साइड आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। ठीक है, ये हमारी नॉन पैरेलल साइड गिवन है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, हमें एरिया ऑफ फील्ड निकालना है बाय हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, वी हैव टू यूज ओनली हीरोन फॉर्मूला देन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जो एबीसीडी है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम की शेप है। ठीक है, ये हमने फिगर बना ली। ट्रेपीजियम हमें पता है इस वाली शेप का ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, हमने क्या करा, ट्रेपीजियम में हाइट की भी जरूरत होती है, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ओ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, हाइट की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या करा, अपने डीसी जो इसका डीसी है, पैरेलल साइड जो डीसी है, इसको मैंने क्या करा, बी और एफ, बी एफ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मैंने यहां पर कंस्ट्रक्शन करी। तो ठीक है, बी एफ परपेंडिकुलर टू डीसी ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ए बी ई डी क्या बन गया हमारा, यहां पर पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पैरेललोग्राम बनने के बाद यहां पर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू डी ई के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। अपोजिट साइड्स हमारी जो होती है वो इक्वल होती है। ऐसे जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऐसी जो इसकी ये वाली साइड भी तो इक्वल होगी, ए डी इज इक्वल टू बी ई के बराबर होगी। ठीक है, तो वही मैंने क्या करा, ए बी इज इक्वल टू डी डी ई वो 10 मीटर है, ए डी इज इक्वल टू बी ई वो कितना आ गया 14 मीटर, ये यहां पर गिवन है। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है, इसका बेस निकालना है, इसी का मेरे को क्या निकालना है, बेस निकालने की कितना है। ठीक है, टोटल लेंथ मेरे को पता है डीसी, डीसी हमें गिवन है 25 मीटर, 25 मीटर अगर मेरे को ये गिवन है। ठीक है, अगर मैं 25 में से ये वाला 10 माइनस कर दू, ठीक है, तो मेरा ईसी आ जाएगा 25 माइनस 10 करने के बाद हमारे पास 15 मीटर ये आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, ईसी निकालने के लिए डीसी माइनस के डीई 25 ओवरऑल में से, यानी डीसी में से मैंने डीई माइनस कर दिया, तो मेरे पास 15 मीटर ईसी की लेंथ आ गई। ठीक है, तो ईसी हमारा यहां से 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ईसी की लेंथ हमें पता लग गई। ऐसे हमें ए ए कितना गिवन है यहां पर 15, ये हमें पता लग जाएगी इसकी डिस्टेंस ए। ठीक है, ए 15 हो गया, बी हमारा 14 और सी 13। ठीक है, ए 15 बी हमारा यहां पर 14 और सी हमारा यहां पे 13 हो गया। ठीक है, वो हमने वहां पे लिख दिया। तो यहां से हमने सेमी पैरामीटर निकाल लिया। सेमी पैरामीटर हमें पता है सम ऑफ बोथ साइड डिवाइडेड बाय 2, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू हमें पता है 15 है, और बी की वैल्यू 14 और सी की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2 यहां पर कर दिया। तो यहां से हमें सेमी पैरामीटर मिल गया, सेमी पैरामीटर हमारे यहां से 21 मीटर आ गया। ठीक है, अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीई, बीसीई इस वाले ट्रायंगल पे मूव करते हैं। ठीक है, हमें हीरोन फॉर्मूला का तो फॉर्मूला बताइए, यही होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमने दिया। ठीक है, हमें पता ही है s माइनस ए और s, s की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सेमी पैरामीटर 21 मीटर आ गया। जो ये 21 आया, इसको हमने यहीं पर लिखा, s की जगह 21 लिखा, a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 15। ठीक है, a की वैल्यू 15 से माइनस कर दिया, ऐसे ही s 21, b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे यहाँ पर 14, 14 माइनस कर दिया, ऐसे ही s माइनस c 21 माइनस के 13 कर दिया। ठीक है, इतना काम करने के बाद इन सबको सोल्व कर लेंगे, तो यहां से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE आ जाएगा। हम ट्रायंगल BCE पर BCE का एरिया फाइंड आउट कर चुके हीरोन फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो हमने यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE निकाल दिया। इतना काम करने के बाद हमने क्या करना है, हाइट भी निकालनी जरूरी है। जो ये हाइट है, जो हमने इसको एज्यूम किया था शुरू में, जो हमने ड्रॉ करी थी डीसी के ऊपर, हमने इसको हाइट को भी निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला बताइए, जो हम बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमें पता लग गया 84, ठीक है 84 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ चुका, तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी हाफ इंटू बेस, बेस कितना हमारा यहाँ पर ईसी इंटू हाइट बी एफ। ठीक है, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है,
तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसी का ऊपर फाइंड आउट कर चुके 84, हाफ बेस कितना था हमारा ईसी 15, ये भी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से बीएफ निकल जाएगा, तो यहाँ से बीएफ की वैल्यू हमारी 11.2 मीटर आ जाएगी, तो इट मींस जो इसकी हाइट है वो यहाँ पर 11.2 मीटर आ गई, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, तो 11.2 मीटर आ गई। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है, ठीक है, मैंने यहाँ सिंपल फॉर्मूला लिखा, एज ही मैंने यहाँ पे लिख रखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमने यहाँ लिखा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, एबी प्लस डीसी, इन दोनों को जोड़ दिया इंटू हाइट, हाइट हमें, हाइट हमें कितना निकालना है यहाँ पे 11.2, तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख लेंगे, एबी की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 है और ऐसे ही हमारे पास डीसी की वैल्यू कितनी है 25 है, तो ये और हाइट हमारे पास 11.2 है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इसको पूरे को सोल्व करके यहाँ पर 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो इस वाले जो ट्रेपीजियम का एरिया आ गया पूरे का, ठीक है, वो 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो थैंक यू, ये क्वेश्चन यहीं पर ही खत्म हो जाता है, थैंक यू, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे यहां से 196 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसका अल्टरनेट मेथड भी है, वैसे हम पहले इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तब भी इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा, ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर अवर लेक्चर।